Hello friends, this is Anu Chhabra. Welcome back to my channel. Today I am with you with a new chapter of class 9, Atoms and Molecules. What we are going to discuss in this chapter are law of chemical combination, in which there are two laws, law of conservation of mass and law of constant proportion, Dalton's atomic theory, atoms, symbol of atom, atomic mass, molecules, ion, how to write the chemical formulae and molecular mass and the mole concept. So let's start. The law of chemical combination. There are two laws of chemical combination, law of conservation of mass and law of constant proportion. First we will discuss about the law of chemical combination. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. हम जानते हैं कि जो टोटल मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. तो जब कोई केमिकल रिएक्शन के कंसर्न में हम बात करें तो बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल मास है वो सेम रहेगा. जब कोई दो सब्सटेंस जैसे मान लीजिए ए और बी हैं, आप इन दोनों का हम इंडिपेंडेंटली मास देखें और जब उन दोनों को हम मिक्स करके ए बी बनाएं और उसका मास देखें, तो टोटल का मास और इंडिपेंडेंट का मास जो है वो हमेशा सेम आएगा. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास ऑलवेज सेम रहता है. रिएक्टेंट्स मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट मास. इसे हम एक केमिकल एक्टिविटी से समझते हैं. हमने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया, ठीक है. उसके बाद हमने बेरियम क्लोराइड एक छोटी स्मॉल ट्यूब में रखा, दैट इज़ कॉल्ड इग्निशन ट्यूब. हमने उस इग्निशन ट्यूब को हैंग कर दिया बीकर के अंदर, ठीक है, और फ्लास्क के अंदर डाल दिया. अब हमने इसको बैलेंस पे रखा और उसका मास लिया. तो रिएक्शन से पहले उनका मास हमने नोट डाउन कर लिया. उसके बाद मैंने क्या किया, इस इग्निशन ट्यूब को टिल्ट किया जिससे ये दोनों जो हैं आपस में मिक्स हो जाए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड. तो देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब आपस में मिक्स होते हैं तो फॉर्म होता है NaCl प्लस BaSO4, ठीक है. तो ये हमारे रिएक्टेंट्स थे. और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर है. और फिर हमने जब इनका मास देखा तो मास जो है वो एग्जैक्टली सेम आया. तो इट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं. इन अ केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स जो हैं वो ऑलवेज डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं बाय मास. इट मीन्स इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं. वाटर, वाटर में हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम. रेशियो हम देखें तो 1:8. इट मीन्स इफ टोटल जो वाटर का मास 9 ग्राम है तो उसमें ऑलवेज 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन का वेट होगा. इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट. तो ये ऑलवेज इसी प्रोपोर्शन में रहता है. इसी तरह अमोनिया में नाइट्रोजन का मास 14 और हाइड्रोजन का मास 3 है. नाउ डॉल्टन एटमिक थ्योरी, कि डॉल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बताया, कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और उन्हें हमने एटम बोला. एटम जो है इंडिविजिबल होते हैं, आगे उसे ब्रेक नहीं कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक ही एलिमेंट में सब एलिमेंट सेम होते हैं, उनका मास एंड उनकी प्रॉपर्टीज ऑलवेज सेम होती हैं. और जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं इनकी मास और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ठीक है. एटम्स जो हैं होल नंबर में कंबाइन होते हैं और फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं. और एक कंपाउंड में एटम का नंबर और उसका जो टाइप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो वापस देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड एटम. एटम आर इंडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन. एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज.
Atom of different elements have different mass and different properties. Atom combine in the small whole number ratio to form the compounds. In a given compound, the relative number and kind of atom are always constant. So, ये Dalton's atomic theory थी. Now, what is the atom? Atom is a smallest particle जिसको हम आगे break नहीं कर सकते, जिस independent exist कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. सबसे छोटा होता है, इतना smaller होता है कि हम उसे imagine भी नहीं कर सकते. इसलिए एटम की जो रेडियस है उसे हम नैनोमीटर में करते हैं, और नैनोमीटर होता है 10^-9 मीटर. लाइक हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो है 10^-10 मीटर. नाउ अब हम बात करते हैं सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उनके बारे में देखिए. किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फर्स्ट लेटर से. और अगर किसी का फर्स्ट लेटर कॉमन है तो हम उसके दो लेटर स्टार्टिंग के लेते हैं, जिसमें फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है और नेक्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होता है. एग्जाम्पल देखते हैं. अगर मैं बात करूँ बोरोन तो कैपिटल बी, बट बेरियम में कैपिटल बी और ए, ए इज़ अ स्मॉल. ब्रोमाइन इज़ अ बी आर, कैल्शियम इज़ अ सी ए, एल्यूमिनियम ए एल, आर्गन ए आर, कार्बन सी, क्लोरीन सी एल, कॉपर का सी यू, फ्लोरीन इज एफ, गोल्ड ए यू, ऑरम. ग्रीक में इसे ऑरम बोलते हैं, इट मीन्स इसका मीन्स होता है येल्लो. हाइड्रोजन एच, आर्डिन आई, आयरन एफ ई, लेड पी बी, प्लम बम, मैग्नीशियम एम जी. देखिए कुछ लेटर जो हैं वो ग्रीक से लिए गए हैं, दैट्स वाई इनके नेम अलग हैं. नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, पोटेशियम के, के फॉर केलियम, सिलिकॉन एस आई, सिल्वर फॉर ए जी, अर्जेंटम, सोडियम, नेट्रियम, सल्फर एंड यूरेनियम इज यू. नाउ एटॉमिक मास. देखिए एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल है, उसका मास बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत मुश्किल से उसको डिटरमाइन कर सकते हैं. तो हम एटम का मास के लिए किसी और की हेल्प लेकर उसको कंपेयर करते हैं. तो हम कार्बन के 12 ग्राम पार्टिकल की हेल्प लेते हैं. मान लीजिए कार्बन का 12 ग्राम का एक एटम है, उसके अगर मैं 12 पार्ट्स में डिवाइड करूँ ठीक है, तो उसका जो एक 1/12 वाला जो पार्ट है, 1/12 वाला पार्ट है, उसके इक्वल हम एटम का मास लेते हैं. तो एटम की मास की यूनिट क्या हुई, द एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12. और एटमिक मास को देखिए, पहले हम ए एम यू लिखते थे, एटमिक मास यूनिट, ये उसकी यूनिट होती थी. उसके बाद उसको चेंज करके यू लिखा है, यूनिफाइड मास. लाइक हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सल्फर इज 32, क्लोरीन इज 35.5 एंड कैल्शियम इज 40. व्हाट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और कंपाउंड का, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. किसका किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? एलिमेंट और कंपाउंड का ठीक है, और उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है. दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. एटम ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट आपस में ज्वाइन कर सकते हैं. देखिए ये भी एक मॉलिक्यूल है, N2O2. ऑर्गन अकेला भी एक मॉलिक्यूल है, H2O2. H2O इज द कंपाउंड. ओके नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट. मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जो है उसमें सेम नंबर, सेम एटम्स होते हैं, एक जैसे एटम होते हैं. तो वो कैसे होते हैं उसको हम एटमिसिटी से बताते हैं. एटमिसिटी क्या है? द नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है. लाइक वो मोनो एटमिक भी हो सकता है, मीन्स एक, डायएटमिक मीन्स टू, एंड फॉस्फोरस पॉलीएटमिक टू से मोर देन टू.
तो आर्गन इज मोनोएटमिक, हीलियम इज मोनोएटमिक, ऑक्सीजन इज डायएटमिक, हमेशा O2 की फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन इज डायएटमिक, नाइट्रोजन इज डायएटमिक, क्लोरीन इज डायएटमिक, फॉस्फोरस P4, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक भी हम बोल सकते हैं उसे, सोडियम मोनोएटमिक, आयरन मोनोएटमिक और एल्यूमिनियम भी मोनोएटमिक, और ओजोन देखिए O3 की फॉर्म में होता है, हम इसे ट्राई एटॉमिक कहते हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जिसमें जरूरी नहीं है एक जैसे एटम हो, देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में एक जैसे एटम होते हैं, यहाँ पे टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक वाटर है तो वाटर में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H और Cl, नाइट्रिक एसिड HNO, 3 ऑक्सीजन इज देयर, सल्फ्यूरिक एसिड H, सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है, इन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड। आयंस, जिनके ऊपर चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स को आयंस बोलते हैं, इसमें दो तरह के चार्ज हो सकते हैं, कैटायन एंड एनायन, कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो आयन इज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हमने कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एनायन बोलते हैं। एंड व्हाट इज द वैलेंसी, वैलेंसी को हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हम ये देखते हैं कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी क्या है, वैलेंसिंग इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितना वो कंबाइन कर सकता है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट वैलेंसीज बता रखी है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, पोटेशियम की 1 है, सिल्वर की 1 है, कॉपर की 1, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, जिंक की 2, आयरन की, देर आर 2 वैलेंसीज ऑफ आयरन, आयरन 2 और आयरन 3, कॉपर की अगेन 1 एंड 2, एल्यूमिनियम 3, यहाँ पे देखिए ये पॉली एटमिक आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड OH-, अमोनियम NH4+, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3-, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2, सल्फाइड SO3 वैलेंसी 2, सल्फेट SO4 वैलेंसी 2, फॉस्फेट PO4 वैलेंसी 3, तो आपको ये लर्न करने होंगे, इन्हीं के थ्रू केमिकल फॉर्मूले फॉर्म हो सकते हैं। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला बनता कैसे है, केमिकल फॉर्मूला बनने के लिए हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट होता है वो कैटायन होता है और उसके बाद में एनायन लिखा जाता है, मतलब फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव और राइट हैंड साइड में नेगेटिव, उसके बाद में हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, देन हम उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और अगर पॉलीएटमिक आयन है तो हम उनसे ब्रैकेट में लिखते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो सिंबल है हाइड्रोजन क्लोराइड का Cl, हमने पहले पढ़ा है, ये हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 और क्लोरीन की -1, अभी हमने बात की थी कि लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास बना HCl, लाइक दिस हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन इज H, सल्फाइड इज S, हाइड्रोजन 1, सल्फर इज 2 और हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे फॉर्मूला बना H2S। इसी तरह मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का सिंबल हमें पता है, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, कार्बोनेट का CO3, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की भी 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास फॉर्मूला हो गया MgCO3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2, आप चाहें तो यहाँ प्लस माइनस भी ऐड कर सकते हैं, तो फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Al2O3, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कैल्शियम इज C, ऑक्साइड इज O, वैलेंसी 2, 2 कैंसिल आउट, फॉर्मूला इज CaO, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम इज Na एंड नाइट्रेट इज द पॉली एटमिक आयन NO3, दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है,
cancel out and formula is NaNO3. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोक्साइड इज़ OH, कैल्शियम की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए जो OH है उसमें दोनों में ही 2 यूज़ होएंगे, तो इट मीन्स हम यहाँ पे पॉली एटमिक आयन में हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अमोनियम NH4, सल्फेट SO4, अमोनियम वैलेंसी +1 -2 क्रॉस करेंगे, अमोनियम की NH4 होल 2, और ये आपके हो गया SO4, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 +1 -2, तो Na2CO3। इस तरह आपने देखा आपको सिंबल एंड वैलेंसी दोनों ही लर्न करने पड़ेंगे। नाउ मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। मॉलिकुलर मास क्या है? जब जितने किसी मॉलिक्यूल में एटम हैं उन सब के एटमिक मास का जो सम होता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास हम, या और मॉलिक्यूलर मास को हम डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है UC। लाइक H2O, यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, और हम जानते हैं कि एक सिंगल हाइड्रोजन का मास होता है 1U और ऑक्सीजन का 16U, तो 2 × 1 + 16 = 18U। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का HNO3, हाइड्रोजन का एटमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14 और 1 ऑक्सीजन का है 16, तो 3 ऑक्सीजन इज देयर, टोटल हो गया 63। इसी तरह हम कैल्शियम ऑक्साइड का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो है उसका होता है 40 और ऑक्सीजन का 16, तो टोटल हो गया 56U। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज मोल कंसेप्ट। व्हाट इज द मोल? मोल इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो मोल इज द सब्सटेंस, इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल वही होते हैं चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, जो 12 ग्राम कार्बन में होते हैं। इट मीन्स 12 ग्राम कार्बन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उतने ही मोल, 1 मोल के इक्वल होता है वो। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं वो फिक्स है, दैट इज़ द 6.022 × 10²³। इसे हम एवोगैड्रो कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसका डेफिनेट मास होता है जो कि मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है, जो 1 मॉलिकुलर मास जो होता है उसको अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो उसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। लाइक ऑक्सीजन का हम जानते हैं मॉलिकुलर मास 16U, बट ग्राम एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का वी नो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास इज 32U, और लेकिन 32U, बट अगर हम बात करें ग्राम एटॉमिक मास की तो दैट इज़ द 32 ग्राम, बट डिफरेंस इज इसे हम यू से डिनोट करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, ठीक है। और क्या क्या रिलेशनशिप है, देखो यहाँ पे कुछ सिंबल है, स्मॉल एन, स्मॉल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एन और एन नॉट, इनकी नाम, इनके बारे में पता होना जरूरी है। एन मोल्स को डिनोट करता है, स्मॉल एम मास को डिनोट करता है, कैपिटल एम मोलर मास को डिनोट करता है, एन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एटम्स को डिनोट करता है, और एन नॉट की वैल्यू जो है वो फिक्स है 6.022 × 10²³। एवोगैड्रो नंबर फॉर्मूला देखिए इनका, स्मॉल एन इक्वल स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल एन इक्वल एन अपॉन एन नॉट, और अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे तो स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, एन अपॉन एन नॉट। ये 3 फॉर्मूले आपको इम्पॉर्टेंट है लर्न करना, इससे आपके मूल कंसेप्ट के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व